ये फुटल लालटेन से कश्मीर का मुद्दा शांत नहीं हुआ अभी तक देखिए इजराइल की इजराइल और गाजा के बीच का जंग यह सिद्ध कर दिया है कि हम सबको अब प्रॉपर हथियार लेके रखना होगा किया गया है नवाब सलाम नवाब सलाम नवाब सलाम को नियुक्त किया गया अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसमें पंद्रह जज बैठते हैं कितने जज बैठते हैं एक जज का कार्यकाल नौ साल को, को, जज कोनो काम का है सब इ कोनो काम का नहीं है सभी सब फूटल चिराग है सभी सब फूटल लालटेन समझते हैं वही है सभी सब फूटल लालटेन देखिए यूएनओ में ना 193 सदस्य हैं यूएनओ में कितने हैं इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में कितने हैं 15, सिक्योरिटी काउंसिल में 15, 10 जो होते हैं अस्थायी जिनका कार्यकाल दो साल का पांच जो होते हैं अस्थाई जिनका कार्यकाल हमेशा रहता टोटल हो गए पंद्रह यानी इन्हीं पांच के पास बीटो पावर है भारत के पास बीटो नहीं है ये जो जज लोग फैसला सुनाते हैं ना वो वापस आता है कहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में और सिक्योरिटी काउंसिल में पास होना जरूरी है अब बताइए पांचों में से कोने ही को बीटो कर देगा तो जज साहब का सारा मुकदमा फैसला रद्द हो गया यहाँ पे फूटल लाल टेन कोनो काम का नहीं है सभी समझ आगे कि नहीं आ गया कुछ कीजिए इन फुटल लालटेन से कश्मीर का मुद्दा शांत नहीं हुआ अभी तक यहाँ पर तो देखिए इजराइल की इजराइल और गाजा के बीच का जंग यह सिद्ध कर दिया है कि अगर आप मार सकते हैं तो पूरी पृथ्वी को मार सकते हैं कोई कुछ नहीं बोलेगा स्पष्ट हो चुका है इसमें यूक्रेन की लड़ाई भी यह सिद्ध कर दिया बट यूक्रेन के लिए तो कोई आया भी तो आ, गाजा के लिए तो खाली दुआ मांगा जा रहा है गाजा के लिए क्या किया जाता है दुआ मांगा जा रहा है तो ये सिद्ध हो गया रूस का यूक्रेन पर हमला और इजराइल का गाजा को हमेशा के लिए खत्म कर देना ये सिद्ध हो गया कि हम सबको अब प्रॉपर हथियार लेके रखना होगा जब जरूरत पड़े मार दो कोई किसी को नहीं वो का मतलब अब देखिए आटा के लिए लाइन में लगा था सब बम मार दिया घाटा लग गया ये सब चीज गड़बड़ है इतना भी देखिए युद्ध क्राइम अलग चीज है हम लोग भी ना अगर आप लोग थोड़ा सा उल्ट क्या है ना कि जैसे उन्नीस में हम लोग उन्नीस में हम लोग पाकिस्तान के तिरानवे हजार सैनिकों को पकड़े थे हम लोग भी मार सकते थे बट तो वो वार क्राइम होता हम मारते ना तो अमरीका चिल्लाने लगता है वार क्राइम कर दिया वार क्राइम कर दिया यहाँ पे चिल्लाने तो जिसको भी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था जब हम लोग रूस के पेट्रोल खरीदते पूरी दुनिया चिल्लाते रह गई गां करते रह गए यहाँ पे चिल्लाते रह तो हम जो

हम कहा जाएंगे पुतिन पुतिन क्या बोल रहेगा बीटो खान सर को कुछ होगा बैकअप में कौन खड़ा है पुतिन मैक्रन पे हमको भरोसा मैक्रॉन देश के लिए खड़ा हो जाएगा फ्रांस वाला भारत के लिए खड़ा हो जाएगा हम लोग के लिए तो पुतिन <laughs>